प्रेम का अर्थ है जहां कोई मांग नहीं, केवल देना है। क्योंकि जहां मांग है वहां प्रेम नहीं है, वहां केवल सौदा है। जहां मांग है वहां प्रेम बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वहां लेन देन है। और अगर ये लेन देन जरा सी भी गलत हो जाए तो जिसे हम प्रेम समझते थे वो घृणा में परिवर्तित हो जाता है। हमारा शिव है लखदातार, हमारा शिव है लखदातार, हमको काहे की चिंता। बना है साथी सृजनहार, हमको काहे की चिंता। मिला है कर्ण करावनहार, हमको काहे की चिंता। हर आत्मा सोचती है कि भगवान मेरी इच्छा से चले, परंतु वो ये नहीं सोचती कि मैं भगवान की इच्छा के अकॉर्डिंग चलूं। क्योंकि जैसे ही हमारे लिए बाहर की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है तो फिर परमात्मा की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, हमारी प्रायोरिटीज ही कुछ और होने लग जाती हैं। हम चीजों को, बाहरी काम को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देते हैं, बाबा की समझानी को नहीं, और फिर बाबा को ब्लेम देते हैं, भारी हो जाते हैं, भगवान से शिकायतें करने लगते हैं। अर्थात मैं भगवान को अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग चलाना चाह रही हूं। चलना तो मुझे भगवान की इच्छा के अकॉर्डिंग है कि वो मेरे से क्या चाह रहा है, क्योंकि वो क्या चाह रहा है और उसे तो दिख रहा है, हमें तो कुछ दिख नहीं रहा। हम तो खाली बाहर बाहर का देखते हैं, और थोड़ी सी चीज में, थोड़ी सी चीज ऊपर नीचे होती है, उसके साथ साथ हिलने लग जाते हैं। परंतु जितनी हमारी अंदर की आंख खुलती है तो हम हिलते नहीं हैं। तब हम कहते हैं, भगवान मैं इतना पावरफुल हो जाऊं कि आपकी इच्छा को पूरा कर सकूं। तो जितनी अवेयरनेस रहती है उतना ही सहज हो जाता है। लगी लगन बस एक यही, 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 लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। भगवान को हम दुख के समय याद करते हैं, उनसे शक्ति मांगते हैं, उनसे जीवन मांगते हैं, उनसे धन मांगते हैं, उनसे निरोगी काया मांगते हैं, उनसे बच्चे मांगते हैं, और उस समय मांगते हैं जब सारी आशाएं छूट जाती हैं, और हर धर्म वाला मांगता है। ऐसे ही उसे याद नहीं करता हर कोई, हर दिल
उसे दुख के समय याद करता है। सुख के समय तो हम उसे भूल जाते हैं, दुख के समय, दुख के आते ही सबसे पहले निकलता है हे भगवान, क्योंकि वो पावरफुल है, सर्वशक्तिवान है, सब कुछ कर सकता है, तभी तो उसे याद करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम जानते और मानते हैं कि वो परम सर्वोच्च शक्ति है, पर अब वो ही परमात्मा हम बच्चों को इस समय स्वयं आकर पढ़ाता है, तो हमें कितनी ना उसकी वैल्यू होनी चाहिए। संस्कार परिवर्तन से ही होगा संसार परिवर्तन, और हम सभी का अपना अपना संसार है जो कि बिना संस्कारों के परिवर्तन के बदल नहीं सकता। जहां प्रेम है वहां खुशी है, जहां प्रेम नहीं वहां तो दिखावे की खुशी है। सांसों के लंबे सफर में है वो मेरे दिन रात है, वो मेरे दिन रात है, शुपिया साथ है मोरे, शुपिया साथ है। दिल का रिश्ता ही उसको कहा जाता है जिसमें केवल कल्याण समाया होता है। जिसने अपना भाग्य बना लिया ना, उसके हर कदम में सफलता है, और सफलता स्वरूप आत्मा को तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर कदम में ही सफलता होती है उसकी, तो सोचने का मतलब ही क्या है। शिव ज्योति अलौकिक निराकार है,
जितना बात को पकड़ोगे उतना ही भारी रहोगे, छोड़ दोगे तो हल्के हो जाओगे। छोड़ना अर्थात अपनी पतवार परमात्मा के हवाले कर देना। हड़बड़ी वाला जो काम करता है वो रावण करता है, और शांति वाला काम जो करता है वो राम करता है। काबिल हो तेरे दम पर, तुमने खूबे नवाजी है, जीत गए हम तेरी वजह से, जिंदगी की बाजी है। मान गए हम सच में तुझको, उम्दा तेरा काम है, शुक्राना हम करते दिल से, तुझको मेरा सलाम है। तुझे पाके जहां मैंने पाया, कुछ रहा नहीं बाकी, ऐसा प्रीत करस बरसाया, कुछ रहा नहीं बाकी।